Today we discuss the next topic in major and extracellular electrolytes. The next compound or next topic is ammonium chloride and its injections. जो हमने already discussed कर रखा है under respiratory systems, expectorant and emetics में ammonium chloride को as example. हम लोग फिर से discuss करेंगे जो ammonium chloride है इसका जो molecular formula है वो कितना है हमारे पास NH4Cl. Chemical formula. NH4Cl. And the molecular weight is 53.49. जो प्रेपरेशन है मेथड ऑफ प्रेपरेशन है इसमें प्रेपरेशन में हम लोग जो न्यूट्रलाइजिंग एक्सेल विथ अमोनिया अमोनिया और एक्सेल को रिएक्ट करवाएंगे जिससे हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है अमोनियम क्लोराइड जैसे एग्जांपल इसकी रिएक्शन है NH3 प्लस HCl हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा NH4Cl ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एज अमोनियम क्लोराइड नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इट इज कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है इट इज कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हाइग्रोस्कोपिक ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है मॉइस्चर गेन कर लेते हैं इसलिए हम लोग जो इसको स्टोर करेंगे वो करेंगे एयर टाइट कंटेनर में कि जो हमारा जो कंपाउंड है वो डिटेरियोरेट ना हो सके इसमें फर्स्ट है इट इज कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ऑर्डरलेस एंड इसके बाद जो है एंड कूलिंग सलाइन टेस्ट इसका जो है टेस्ट है एक ऑर्डरलेस है ये हाइग्रोस्कोपिक है कलरलेस या फिर हमारे पास जो सेकेंड है इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन इन पाउडर की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है सेकेंड है इसकी जो सोल्युबिलिटी क्या है इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वाटर और जो हमारा कंपाउंड है वो स्प्रिंगली सोल्युबल किस में है अल्कोहल में नेक्स्ट है स्टोरेज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होने के कारण हम लोग जो इसको स्टोर किस में करेंगे स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स में नेक्स्ट इसकी यूज हमने ऑलरेडी से पहले डिस्कस कर रखा है अंडर एम्प्टिक रेस्पिरेटरी एंड एक्सपेक्टोरेंट में भी तो इसके हम लोग यूज देख लेते हैं इट यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट डायुरेटिक सिस्टमिक डायुरेटिक्स तो सेकंड इसका यूज इट यूज इन डायुरेटिक थर्ड हम लोग इसका यूज करते हैं सिस्टमिक अल्किलोसिस के लिए सिस्टमिक अल्किलोसिस एंड नेक्स्ट हम लोग इसको जब यूज करेंगे अमोनियम क्लोराइड को हम लोग इसको एज ए यूज्ड बाय आईवी इन्फ्यूजन जो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू ही पेशेंट को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं एडमिनिस्टर्ड करवाएंगे वो भी स्लो स्पीड में स्लोली हम लोग आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को एडमिनिस्टर कराते हैं नेक्स्ट है इसके बाद है हमारा जो सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स एंड सॉल्यूशंस
combinations of oral electrolyte powder and solutions. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड में इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट पाउडर एंड सॉल्यूशंस. इसमें फर्स्ट वन है कि दीज आर यूज्ड टू सप्लीमेंट H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट बिफोर सीरियस फ्लूइड लॉसेस. जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के जो सॉल्यूशंस और पाउडर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई सीरियस इलनेस हो, सीरियस डिजीज है या फ्लूइड ज़्यादा हमारी बॉडी में से लॉस हो चुका है, उस टाइम हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए ओरल पाउडर्स और सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं. जो हमारी बॉडी में जाकर के जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी है उसको मेंटेन करेगा, जिससे हमारी बॉडी में जो है प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी. अब इसमें क्या है, जो हमारी बॉडी में वाटर का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, उसकी डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर्स एंड सॉल्यूशंस. इसमें हमारे पास है जो फ्लूइड लॉसेस है वो क्यों हो जाते हैं, उनके रीजंस क्या क्या है जिसके कारण हमारी बॉडी में से जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाता है. इसमें फर्स्ट वन जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है, जो कॉमन रीजन है वो है फर्स्ट वन डायरिया. डायरिया सेकंड है एंड अदर कंडीशंस विच एक्सेसिव फ्लूइड लॉस. और भी बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में से जो है जो फ्लूइड है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है. बट मेन जो हमारा जो मेन रीजन है वो है हमारा एक डायरिया. डायरिया के एक जब भी कोई अक्यूट डायरिया होता है किसी को, इस उसको हम लोग मेजर कॉज मान लेते हैं हमारी बॉडी में से या पेशेंट की बॉडी में से फ्लूइड को लॉस होने का. अक्यूट डायरिया इज मेजर कॉज ऑफ जो मॉर्बिडिटी है या फिर मोर्टैलिटी है इन्फेंट्स में या चिल्ड्रंस में, उनमें ये इम्पोर्टेंट कॉज है जिसके कारण जो इन्फेंट्स हैं या फिर जो चिल्ड्रंस हैं उनकी बॉडी में से जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज, इसलिए जो डायरिया है उसको इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उसको मैनेज कर सके, बिकॉज बाय फॉलिंग जो है हमारे इंट्रा जो है वेंशंस जो इंट्रावेंशंस है उनको हम लोग यूज करके जो पेशेंट की बॉडी में से डायरिया के कारण ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हो चुका है, उसको मेंटेन करेंगे. वो कौन कौन सी ऐसी इन्वेंशंस है जिनको हम लोग फॉलो करेंगे या जो कौन कौन सी ऐसी इन्वेंशंस हैं जिनको हम यूज़ करके डायरिया का जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं फ्लूइड लॉस को. जैसे हम लोग इंजेक्शंस दे सकते हैं सोडियम क्लोराइड के, ORS की जो हमारे पाउडर्स हैं उनको हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं ओरली, या उनको हम लोग इंट्रावीनस ड्रिप्स लगाकर पेशेंट की बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है उसको मेंटेन कर सकते हैं. अब ऐसी कौन सी डिजीज है या फिर ऐसे कौन सी रीजंस हैं जिनमें जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी प्रॉब्लम हो सकती है. फर्स्ट वन है उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट. जिन जो डिजीज के कारण हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हुई है उनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम लोग अपनी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेंगे. जैसे फर्स्ट वन है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट.
मैनेजमेंट में क्या है कि जो हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड्स होते हैं, अगर उनमें से उनको लॉस हो चुका है हमारी बॉडी में, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग सोडियम पोटाशियम क्लोराइड्स के जो हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। उनके यूज से जो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स हैं उनकी जो है डेफिशिएंसी है वो मेंटेन होगी। उनको मेंटेन करने के लिए हम लोग इंट्रावीनस जो है ड्रिप्स लगा सकते हैं सोडियम पोटाशियम कॉम्बिनेशन की, जो हमने पहले एग्जांपल्स में स्टडी किया है कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए, या फिर हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस हुआ है डेफिशिएंसी हुई है उसको मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, सेकंड है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, थर्ड लास्ट वन है ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पेशेंट्स के इंट्रा और एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करेंगे हमारी बॉडी में, या पेशेंट्स की बॉडी में उनको मेंटेन करेंगे कि कितने हमारे प्रोटीन में या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितने परसेंट होने चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितने परसेंट वाटर होना चाहिए, अदर जो कंपाउंड्स हैं वो कितने परसेंट होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। सेकंड हमारे पास न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में हम लोग न्यूट्रिशन के थ्रू हमारी जो बॉडी में डेफिशिएंसी हुई है उसको मेंटेन करने की जो है ट्राई करेंगे कि हम लोग जो फूड के थ्रू सप्लीमेंट्स के थ्रू और जो पाउडर्स हैं उनके थ्रू हम लोग जो है अपनी बॉडी में हमारे में जो वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर सके, उसको मेंटेन कर सके। थर्ड वन है ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसे एग्जांपल है डायरिया है, डायरिया के हमारे पेट में जब स्टमक में इन्फेक्शन हो जाते हैं उस टाइम डायरिया हो सकता है, या अगर कोई हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन हुई है उसके थ्रू डायरिया हुआ है, तो हमें पहले सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट कराना है। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में डायरिया हुआ है या फिर वॉमिटिंग्स हुई हैं जिसके कारण जो हमारी बॉडी में से वाटर और जो अनदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लॉस हो चुका है, उसका हम लोग पहले ट्रीटमेंट करवाएंगे, जिससे जो हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन जो है ओवरकम हो जाएगा, इन्फेक्शन कम हो जाएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर जो हमारी बॉडी में वाटर है जिसकी डेफिशिएंसी हुई है वो मेंटेन होने लग जाएगा। इस ये नहीं है कि हम लोग जैसे किसी को डायरिया की प्रॉब्लम भी चल रही है वो अपना जो डिजीज है डायरिया उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है और वो हमारा जो ORS है या फ्लूइड्स है उनका यूज कर रहा है, उससे क्या होगा उसकी बॉडी में मेंटेनिंग नहीं होगी वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की, क्योंकि उससे सबसे पहले अपनी जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करवाना है, जिसके कारण जो पेशेंट है उसको आगे जो बॉडी है उसमें और ज़्यादा लॉस ना हो। जो एक डायरिया है और एक सेकंड जो हमारे फ्लूइड लॉस होने का एक सेकंड जो रीज़न है वो है वॉमिटिंग। जैसे जब सम पेशेंट्स को वॉमिटिंग्स हो जाती हैं तो उससे भी उनकी बॉडी में क्या वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, उसको भी हम लोग इन्हीं मेथड से जो है वो कंप्लीट करेंगे, इन्हीं मेथड से मेंटेन करने की ट्राई करेंगे। अब हमारे पास जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट
सेकंड है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड। इसी में है कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस्ड फ्लूइड्स होते हैं उनमें हम लोग जिसमें क्लोरीन या फिर सोडियम है इनकी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है जब हमारी बॉडी में, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग होम रेमेडीज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल जो है हमारे पास कोकोनट वाटर का यूज़ करना, उसके बाद ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपीज है उनका यूज़ करना, एंड थर्ड है ओरल जो रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हैं जो हम लोग शुगर प्लस जो है सॉल्ट को मिक्स करके घर पर भी बना सकते हैं, उसको मेंटेन प्रिपेयर करके पेशेंट्स को देना कि जिससे जो पेशेंट की बॉडी में प्रॉब्लम हुई है, डेफिशिएंसी हुई है, उसको हम लोग मेंटेन कर सकें। अब जो हमारे पास ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपीज है, ओरल रिहाइड्रेशन जो थेरेपीज है उसमें हम लोग जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे वो है जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, सोडियम, जो है सोडियम हो गया, इनसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ओरल ओरल इलेक्ट्रोलाइट प्रेपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।